नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जनार्दन न्यूज 24x7। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। जनता जनार्दन न्यूज 24x7 की टीम ने आज मैनपुरी जनपद के विकासखंड किसनी की ग्राम पंचायत सकरा के प्रधान श्री नरेंद्र यादव उर्फ गोपी जी से की खास मुलाकात। नरेंद्र यादव जी ने कहा कि वर्तमान सरकार से हर वर्ग, चाहे किसान, व्यापारी, युवा, बेरोजगारी से सब परेशान है। समाजवादी पार्टी की सरकार आने पर लाभकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। हमारा शोषित पीड़ित हर वर्ग लाभान्वित होगा। 2022 विधानसभा चुनाव के परिणाम में पूर्ण बहुमत से बनेगी समाजवादी पार्टी की सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जनार्दन न्यूज 24x7। आज हम आए हैं मैनपुरी जनपद के विकास खंड किसनी। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको ग्राम पंचायत की जनता ने जो भारी मतों से विजयी बनाया है, आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता का आभार कैसे प्रकट करना चाहेंगे? विकास करके जनता का आभार प्रकट करना चाहेंगे। विकास की जो बात आपने की है, विकास के ऐसे कौन कौन से कार्य हैं वो आप बताएं। आपने जो अब डिमांड में डाले हों, कार्य योजना में डाले या जो वर्क आपने रनिंग एक्ट में करवा रहे हों। सबसे पहले हमारी गांव पंचायत जो शेष शौचालय के लोग रह गए शेष, उनके लिए और जो गरीब आवास जो के पास नहीं मिला उनको आवास दिलाने के लिए, गांव में अगर कहीं कोई गली खरंजे थोड़े रह गए उनके पक्का कराने के लिए, ये हमारी प्राथमिकता है। सर, आपके यहाँ अभी आपकी ग्राम पंचायत में ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास शौचालय नहीं है? लगभग अभी हमारी गाँव पंचायत में 10% लोग ऐसे हैं जिनके पास शौचालय नहीं है। आवास 5% लगभग आवास नहीं है। आपके यहाँ खेल का मैदान है या नहीं सर? हाँ, खेल का मैदान है हमारे यहाँ जी। सर, पंचायत स्तर की बात आप देखा जाए तो सकरा ग्राम पंचायत के स्तर से थोड़ा ऊपर स्तर का देखते हैं तो आप यहाँ पे नरेंद्र यादव जी, आपका जो चेहरा है किसी परिचय का परिचयदाता नहीं है। सर, हम आप अपनी पार्टी के एक सक्रिय कार्यकर्ता हैं और नेता भी। सर, हम आपसे जानने का प्रयास कर रहे हैं कि जो आगामी 2022 विधानसभा चुनाव चल रहा है, आप जो जनता के बीच जनसंपर्क कर रहे हैं, ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जो जनता के बीच आप लेके जा रहे हैं जिससे जनता आपकी पार्टी को वोट करे? सबसे पहले मैं जिस पार्टी में बिलोंग करता हूँ या जिसका सपोर्ट करता हूँ, उन्होंने पिछले कार्यकाल में बहुत अच्छे कार्य किए, जैसे 100 डायल, समाजवादी पेंशन योजना, लैपटॉप, कन्या विद्याधर, ऐसी कई पुरानी महत्वपूर्ण योजना हैं जो उन्होंने की। उन्हीं के आधार पर मैं पुनः जनता के बीच में अपना वोट मांग रहा हूँ और हमारी आशा है कि हमारी पार्टी बहुत भारी बहुमत से जीतेगी। सर, आपसे हम जानने का प्रयास करेंगे सर किसान के ऊपर। सर, ऑफ द रिकॉर्ड ये है कि अपने यहाँ अपनी राज्य और केंद्र सरकार की मिली गठबंधन से काफ़ी ऐसी लुभानीय योजनाएं चलाई गई, जैसे PM सम्मान निधि हुई, श्रम कार्ड हुआ और अभी आपने देखा होगा फर्स्ट वेव में सेकंड कोविड की जो वेव आई थी उस दौरान क्या हुआ था, राशन दिया गया। अभी आपने देखा होगा रिसेंटली मार्च तक फ्री ऑफ कॉस्ट राशन कर दिया गया। आपको क्या लग रहा है जो लुभानीय योजना है इससे जनता का मुंह, आपको क्या लग रहा है कहीं BJP या सत्ता पक्ष की तरफ दोबारा से मुंह नहीं हो जाएगा? जनता हर चीज समझती है जी, कोई जनता ऐसा नहीं है कोई समझने के लिए कोई शेष बचा हो। हर आदमी किसान परेशान है, किसान की इतनी महंगाई कर दी, यूरिया के जो रेट थे हाई फाई कर दिए और दूसरी बात उसमें साथ साथ इन्होंने एक चोरी भी कर ली। ये जो हमारी 50 किलो की किसान को यूरिया की बोरी मिलती थी उसमें से 5 किलो कम कर लिया, बड़ा आसान से कर लिया, बोरी पूरी बनी रही है, रेट बढ़ गए हैं उसके कई गुने रेट बढ़ गए हैं, तो किसान इन चीज़ों को समझता है। रही बात दूसरी, किसान पूरी रात जाग के अपने खेतों की रक्षा करता है, वो इतना गंभीर इस समय है कि वोट आने के समय वो अपना पूरी ताकत लगा के वोट करेगा और इस सरकार के खिलाफ वोट करेगा। सर, आपसे हम जानने का प्रयास करते हैं युवा भी। सर, आपने देखा होगा अपने यूपी में ऑफ द रिकॉर्ड करोड़ों की संख्या में युवा बेरोजगार है। आपको क्या लगता है आपकी पार्टी यदि सत्ता में आती है तो आप युवाओं के लिए कौन कौन से कार्यों को प्राथमिकता देंगे जिससे युवा को रोजगार मिल सके? सबसे पहली चीज तो है कि अगर सरकार हमारी पुनः आती है तो उद्योग धंधे जैसे लगाए जाए, अच्छे अच्छे कार्य जो उसमें किए जाए जिसमें नए नौजवानों को अवसर मिले। और मैं तो यही चाहता हूँ सरकार आने के बाद नए युवाओं को बड़ा सहूलियत से उसमें रोजगार मिलने की पूरी प्राथमिकता दी जाएगी। प्रधान जी, आपसे हम जानने का प्रयास करेंगे, आप सक्रिय कार्यकर्ता और नेता हैं, इसी वजह से आपको हम जो इलेक्शन की तरफ लेके बात कर रहे हैं, आपसे हम ये जानना चाह रहे हैं अभी हाल ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया न्यू कोविड गाइडलाइन निकाली गई, उसमें जो सर फिजिकल रैलियां थी उसमें पाबंदी लगा दी गई है, वर्चुअली रैली उन्होंने स्टार्ट कर दी। आपको क्या लगता है आप जो जनता के बीच जनसंपर्क कर रहे हैं फिजिकल और वर्चुअली में आप अपने आप को कंफर्टेबल किस में पा रहे हैं? मैं तो यही चाहते हैं कि वर्तमान में डोर टू डोर फिजिकल
कि हिसाब से अगर जनता के पास जाया जाएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब वर्चुअल रैली में तो जो किसान नौजवान वैसे गांव के लोग हैं उनको इसके बारे में महत्व नहीं, ये मालूम जानकारी नहीं वर्चुअल रैली और इस रैली में क्या अंतर है। मैं तो यही चाहता हूँ किसान के खुली मीटिंग में रैलियाँ की जाए, लोगों को सही तरीके से लुभावने बाधित न करके सही तरीके से बाधित करके और सरकार को पुनः बनाया जाए। सर, जो आप जिक्र कर रहे थे कोविड का, सर कोविड के ऊपर बात कर लेते हैं। जो फर्स्ट और सेकंड वेव जो कोविड की आई थी उस दौरान आपने अपनी ग्राम पंचायत की जनता और अभी जो रिसेंटली सर ओमिक्रॉन का दौर चल रहा है, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं आप अपनी ग्राम पंचायत की जनता को कैसे बचाव कर रहे हैं और उस लास्ट टाइम आपने कैसे किया। पिछले जो चुनाव वो पिछले उसमें कार्यकाल में जो कोविड का प्रकोप था, मैंने पूरे अपनी ग्राम पंचायत में साफ सफाई के लिए स्वच्छता के लिए पूरा जागरूक करके लोगों को जो बाहर से लोग आए थे उनके लिए अलग से विद्यालय में रहने की व्यवस्था, रुकने के लिए खाने के लिए, जो मजदूर टाइप के लोग थे उस समय जो लोग काम पे नहीं जा रहे थे उनके लिए मैंने लंच पैकेट क्या गए उनका पूरा पैकेट ही बना के उनको आटा दाल चावल चीनी साबुन जो कुछ था नमक से लेके वो सब इकट्ठा करके मैंने पूरे गाँव में अपने वितरित कराया। इसका पूरा ऑन रिकॉर्ड हमारे पास है। सर, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि जो अभी राज्य सरकार जो दावा कर रही है, सत्ता पक्ष ये कहता है कि 58,000 समथिंग सर जो क्या नाम पंचायत सहायक की नियुक्ति की गई है, आपको क्या लगता है पंचायत सहायक की नियुक्ति होने से आप ग्राम प्रधानों को उससे सहायता मिलेगी या नहीं मिलेगी। सहायता का प्रपंच मेरा सर ये जानना चाह रहे हैं कि जो भी जन जन की समस्याएं आप तक नहीं पहुँच पाती तो जो मीडिएटर के तौर पर जो ग्राम पंचायत सहायक काम करेगा वो सही है, सराहनीय कदम है या नहीं। ये तो छलावा है, बिल्कुल ग्राम पंचायत स्तर पर ये छलावा है। हमारी गांव पंचायत का जो विकास का पैसा आता था, हमारी छोटी छोटी गांव पंचायतें हैं जिनके पास लिमिटेड साधन होते थे, लिमिटेड पैसे आते थे, अब उसमें से आपने दो चेंज उसमें से कर दिए, हमारे हक में ही से उनको बांट दिया। जैसे इसके सहायिका के लिए जो भी इसका सहायिका का सैलरी है वो गांव पंचायत के फंड से दी जाएगी। अरे सरकार क्या दे रही है, सरकार को अगर देना था तो फंड उनके अपने पास से दे, हम मान लेंगे उनको तुमने नौकरी दे दी। रही बात शौचालय में, एक शौचालय कर्मी कर दिया वो भी पंचायत से जोड़ दिया तुमने, जो तुमने क्या दे दिया, तुमने तो हमारे हक में ही से टकैती डाल के अपना बाबाई लूट लिया, क्या किया कुछ भी नहीं। सर आपसे हम ये जानना चाह रहे हैं कि सर आप अपनी पार्टी के एक सक्रिय कार्यकर्ता और नेता हैं, सर आपसे हम जानने का प्रयास करेंगे 10 मार्च 2022 को आप अपनी पार्टी को किस जगह पा रहे हैं। हम लोग 10 मार्च को होली का समय है, होली का महीना है, रंग और गुलाब के साथ हंसी और उल्लास के साथ पूर्ण बहुमत में सरकार बनाने जा रहे हैं और हंसी उल्लास के साथ मैं होली मनाऊंगा और जीत की बधाई दूंगा। सर सत्ता पक्ष का आपकी पार्टी के ऊपर, पार्टी कार्यकर्ता वरिष्ठ पदाधिकारियों के ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप है। सत्ता पक्ष ये कहता है कि जब फर्स्ट एवं सेकंड कोविड की जब वेव आई थी उस टाइम आपके जितने भी मतलब सीनियर लीडर्स थे कोई भी जनता के बीच जाके जनसंपर्क नहीं किया, न किसी तरह का बचाव कार्य किया गया और इस वजह से अब आप इलेक्शन को देखते हुए जनता के बीच जनसंपर्क करने लगे। आपको क्या लगता है ये जो आपके ऊपर आरोप लग रहा है ये सही है गलत है। ये बिल्कुल सरासर गलत है। सबसे ज़्यादा हमारी पार्टी ने उस समय भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, रोडों पे लोग पैदल चल रहे थे उनको पहुंचाने के लिए, उनके खाने की व्यवस्था करने के लिए, उनको पूरी जगह गंतव्य तक पहुंचाने के लिए, हम लोगों ने गांव-गांव तक उसे भेजने के लिए सारी व्यवस्थाएँ की हैं। ये तो मिथ्या आरोप लगा रहे हैं, इन पर कोई दम नहीं इनके आरोपों में। सर पार्टी के आप एक बहुत मजे हुए कार्यकर्ता हैं, आपसे सर जानने का हम ये प्रयास कर रहे हैं 10 या 15 दिन से आपने देखा होगा राजनीतिक गलियारों में भूचाल सा आया हुआ है आपकी पार्टी से भी या सत्ता पक्ष के, आपने देखा होगा इधर से उधर सीनियर नेता जा रहे, व्यक्ति विशेष का नाम नहीं ले रहे हैं। सर हम आपसे ये जानने का प्रयास करेंगे जो सीनियर नेता के आने जाने से वही व्यक्ति विशेष जा रहे हैं कि उनके पीछे का जो वोट बैंक है वो भी ट्रांसफर हो रहा है। पूरा वोट बैंक ट्रांसफर हो रहा उनके साथ लोगों ने, मैं तो गांव-गांव में जाते हैं लोगों गांव की आवाज़ सुनते हैं, पूरा वोट उनके साथ जा रहा और बड़ी तादाद में जा रहा है। इनको भी तो बौखलाए हुए हैं, इनके पास कुछ नहीं है तो इस तरह की मिथ्या आरोप लगा रहे हैं। पार्टी के पास इस समय सत्ता पक्ष के पास कुछ ऐसा नहीं कहने के लिए बचा है जो झूठ साठ के आरोप लगाते हैं। एक राष्ट्रीय स्तर के नेता, एक शीर्ष नेता हमारे देश की गौरव होते हैं इनका नाम, वो भी गली गली में घूम रहे हैं तो इससे इनकी हताशा और निराशा साफ दिखाई देती है। आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी एक स्टेटमेंट दिया था कि 15 दिन के अंदर किसानों का जो बिल बकाया हुआ है वो भुगतान कर देंगे। आपको क्या लगता है सर ग्राउंड लेवल पर 15 दिन भुगतान किया जा सकता है।
हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता नए युवा आ रहे हैं और ईमानदार हैं, उनके अंदर छल छंद की कोई राजनीति नहीं करते, जो पहले वादा किए थे वो पूरे किए, अगर नहीं किए हो तो किसी के पास हिम्मत है तो बता दे। मैं तो ये कहता हूँ जो उन्होंने वादा किया वो पूरा करेंगे। सर सत्ता पक्ष ये दावा कर रहा है कि उनकी उनकी सत्ता में उनके शासनकाल में लाइन ऑर्डर जो कानून व्यवस्था है वो बिल्कुल सही है, सारे सारे जितनी यूपी की 24 करोड़ जितनी भी जनसंख्या है सब सेफ जोन में। आपको क्या लगता है सत्ता पक्ष का दावा सही है गलत है? पूरा प्रदेश जानता है, पूरा देश जानता है हाथरस में क्या हुआ, पंडाव में क्या हुआ, क्यों छिपी नहीं चीजें हैं, ये तो कोई बताने वाली बात भी नहीं, ये तो बच्चा बच्चा जानता हुआ क्या उनका था, ये सारी चीजें सबको मालूम है और इनके पास झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं है। आज भी इनके मंत्री, आज भी इनके लड़के जेल में, आज मंत्री उसमें सरकार में, क्या है इनकी बात लॉ एंड ऑर्डर के स्तर। हमारे साथ उपस्थित थे नरेंद्र यादव जी, उन्होंने बड़े सरल स्वभाव से बताया कि 10 मार्च 2022 को जो विधानसभा चुनाव का परिणाम आएगा उसमें समाजवादी पार्टी की वापसी प्रचंड बहुमत से होगी। धन्यवाद।